खेती से अलग चंदन और संदलवुड के पौधे लगाकर ज्यादा मुनाफे कमाने के बारे में समझाने के लिए खुरमी चंदन और संदलवुड फार्म लुधियाना के अरुण खुरमी ने लुधियाना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि कर्ज में डूबा पंजाब का किसान चंदन और संदलवुड के पौधे लगाकर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। इस अवसर पर पटियाला और फिलौर के जिला जंगलात अफसर भी मौजूद थे। पंजाब के किसानों को चावल और गेहूं की खेती से अलग चंदन और संदलवुड के पौधे लगाकर ज्यादा मुनाफे कमाने के बारे में समझाने के लिए खुरमी चंदन और संदलवुड फार्म लुधियाना के अरुण खुरमी ने लुधियाना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि कर्ज में डूबा पंजाब का किसान चंदन और संदलवुड के पौधे लगाकर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। इस अवसर पर पटियाला और फिलौर के जिला जंगलात अफसर भी मौजूद थे। मैं सिर्फ एक खुरमी साहब जोड़े थे, इन्होंने बहुत इनिशिएटिव लगता है चंदन की फार्मिंग वास्ते, तो मैं इस चीज़ को प्रमोट करने लिए मैं पटियाले तो फिर लुधियाना एक्चुअली आई एम हैविंग का डिस्ट्रिक्ट, तो इस करके मैं इतने आया हूँ। तो मैंने चंदन के तो गवर्नमेंट जो कम कर रही है तो मैं फेवर के करूँगी। इस तुम ज़्यादा यही है मैं इस इसे स्कीम को प्रमोट करना चाहता सबमिशन ऑफ एग्रोप्रेस। मैं अपने पंजाब दे विच फार्मर्स नूं रिक्वेस्ट करता वा कि वो चंदन च वध तों वध कन्वर्ट होण, क्योंकि पंजाब दे विच चंदन की इकोनॉमिक्स ते ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर साडे फार्मर्स चंदन ग्रो करते हैं, डीएफओ साहब ने जिदा दस्सिया पंजाब दे विच पंजाब चंदन ग्रोर का तीसरा सब तो वड्डा स्टेट हो सकता है इंडिया का अगर अपने फार्मर्स ग्रो करन। लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट।